चीज बताइए, जिस तरह से खेलों का पूरा डाइवर्सिफाई हुआ है, पूरा खेल बदला है, और हम बात करें कि हमें विश्व की महाशक्ति बनना है खेलों में, इतना बदलाव देखते हैं शूटिंग से लेकर फुटबॉल तक, इस एरेना को कैसे देखते हैं पिछले 10 साल में जो काम हुआ स्पोर्ट्स में? देखिए, अभी बहुत काम होना बाकी है, और सबसे बड़ा काम होना बाकी तो ये है कि सबसे बड़ा अगर दिल्ली देश को स्पोर्टिंग नेशन बनना है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आप सिर्फ क्रिकेटर्स को ही नहीं, सभी खिलाड़ियों को उतनी ही लाइमलाइट दीजिए, उतनी ही बात करिए जितनी वो डिजर्व करते हैं। आज मुझे आप बताइए कि एशियन गेम्स में जो मेडल जीत के आए हैं, कितने लोगों को याद है उनके नाम? तो ये आपकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक दिन से नहीं होगा, या किसी एक गवर्नमेंट से नहीं होगा, या किसी एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर से नहीं होगा। ये एक आपको चेंज करना बहुत जरूरी है, माइंडसेट चेंज करना जरूरी है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, ब्रॉडकास्टर का बहुत बड़ा रोल है कि आप उनको किस तरीके से दिखाते हैं, कैसे उनको हीरो बनाते हैं। अगर सारी लाइमलाइट सिर्फ क्रिकेटर्स को मिलेगी तो बाकी स्पोर्ट्समैन कहाँ जाएंगे? फिर तो आप एक क्रिकेटिंग नेशन बन के रह जाएंगे, स्पोर्टिंग नेशन आप कभी नहीं बनेंगे। इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, आपके जो चैनल्स के ओनर्स हैं, हेड्स हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं, उतना ही क्रेडिट दीजिए, उतनी ही लाइमलाइट दीजिए बाकी स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन को जितनी आप क्रिकेटर्स को देते हैं। और जिस तरह से पैरा एथलीट्स को लेकर के एक नई पहल हुई है, पैरा खेलो इंडिया शुरू हुआ, अभी भी पैरा एथलीट्स हमने देखे यहाँ पे भी पार्टिसिपेट करने आए, पैरा को लेकर के कितना बदलाव? देखिए, पैरा को लेके बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं, इसलिए आप रिजल्ट देख भी रहे हैं। अगर आप पैरा ओलंपिक्स में देश का प्रदर्शन देखें तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन है, और उनको जितनी ज्यादा और फैसिलिटीज दी जाएंगी उतना बेहतर है। जितना उनको इंटीग्रेट किया जाएगा नॉर्मल ओलंपियंस के साथ उतना बेहतर है, क्योंकि किसी भी वक्त पे ये नहीं उनको लगना चाहिए कि वो पैरा ओलंपियंस हैं, उनको ये लगना चाहिए कि वो एक नॉर्मल ओलंपियंस हैं जो देश का नाम रोशन करने के लिए वहां पर जा रहे हैं। तो इसलिए देश ने अभी बहुत काम किया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने काम किया, लेकिन अभी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनको सिर्फ एज अ पैरा ना देखा जाए, उनको एज एक्चुअल स्पोर्ट्समैन देखा जाए। Gautam sir, South Poy like you, young Yashasvi Jaiswal just scored a double 100 today and became the third youngest to do so. What do you want to say? Look, I want to congratulate him, and more importantly, I want to tell everyone, I think let the young man play. That is very important. हमारे यहाँ पर क्या होता है, जब कोई यंग खिलाड़ी आके अच्छा करना शुरू करता है, हम उतना हाइप कर देते हैं कि सडनली वो जो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशंस है वो फिर उनके ऊपर इतनी आ जाती है कि वो अपनी नेचुरल गेम नहीं खेल पाते। लेट हिम ग्रो। इससे पहले भी हमने बहुत युवा खिलाड़ियों के साथ देखा कि वो आए, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आपने इतनी ज्यादा उनको लाइमलाइट दिया, इतनी ज्यादा आपने उनको सुपर हीरो बनाने की कोशिश करी, टैग्स दिए, अलग अलग नाम दिए, कि वो प्रेशर ऑफ एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। अभी युवा खिलाड़ी, उनको एंजॉय करने दीजिए, उनको एक्सप्रेस करने दीजिए, तो अगेन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, सारे जो उनके स्पेशली मैनेजर्स हैं, टीम मैनेजमेंट है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अभी उनकी क्रिकेट एंजॉय करने दीजिए। सो यू हैव मेड अ कमबैक टू केकेआर एंड द आईपीएल इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क टू क्वेश्चंस टुगेदर। वन इज व्हाट विल बी द रोल फॉर रिंकू सिंह एंड वन डायमेंशनल प्लेयर इन मिचेल स्टार्क दैट? लुक, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आई थिंक देयर इज ओनली वन रोल दैट इज फॉर एवरीवन, दैट इज अ टीम फर्स्ट फिलॉसफी। व्हाटएवर टीम नीड्स फ्रॉम अ from an individual, he needs to do that irrespective of what position he's at, what level is he playing at, because for me I think KKR is just not a team, it's an emotion. KKR, the people of Kolkata has given me so much of love, and the way they received me for 7 years, the way they gave me or they respected me, or probably the amount of love I got in 7 years was phenomenal. And in fact I was like an adopted son, not even an adopted son, I was actually the son of Kolkata. So for me, I think giving it back, and more importantly, when you talk about individuals, whether it is Mitchell Starc or Rinku Singh, I think for me, I think KKR is bigger than any individual, and whatever role will be given to them, I'm sure they're going to do it to the best of their ability.